नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में नवनिर्मित आनंद सरोवर भवन ईश्वरी सेवाओं के लिए तैयार। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी और पूर्व मंत्री संजय बंसोड़े ने किया उद्घाटन। जयपुर में संस्था के प्रशासनिक सेवा प्रभाग और राजापाक सब जोन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पब्लिक प्रोग्राम। इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर में भी कार्यशालाओं का आयोजन। अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के दिए प्रैक्टिकल उपाय। और सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारी के नए सेवा केंद्र का बीके लक्ष्मी ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। कल्चरल प्रोग्राम्स का भी आयोजन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में निर्माणधीन आनंद सरोवर ईश्वरी सेवाओं के लिए बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी, पूर्व मंत्री संजय बंसोड़े, सोलापुर सबजोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, वरिष्ठ समाज सेवी नंद किशोर जी मुंदड़ा, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, पीपल्स बैंक के चेयरमैन राजकिशोर मोदी, बिदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिमा, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा, अंबाजोगाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता की खास मौजूदगी में संपन्न हुआ। खुशी के इस मौके पर आनंद महोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसका बीके संतोष दीदी ने केक काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने आनंद सरोवर से दिनों दिन ईश्वरी सेवाओं के विस्तार की शुभकामनाएं व्यक्त की। पावन मेला पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे जी का भी सेवा केंद्र पर आगमन हुआ और उन्होंने बीके संतोष दीदी से मुलाकात करते हुए आनंद सरोवर के उद्घाटन की बधाइयां दी। प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संस्था के प्रशासनिक सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर के राजापाक सब जोन द्वारा पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, आईएएस अधिकारी कुंजीलाल मीणा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था के निदेशक संजीव शर्मा, जयपुर सबजोन प्रभारी बीके पूनम, सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा, प्रभाग में मध्य प्रदेश की संयोजिका बीके डॉक्टर रीना, जालोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बीके हरीश ने प्रशासनिक अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए निमित्त निर्माण और नम्रचित रहने का मंत्र दिया। इसके बाद बीके डॉक्टर रीना ने कार्य क्षेत्र पर प्रत्येक घंटे में 2 मिनट साइलेंस रहकर मन को रिलैक्स करने की बात कही। निमित्त नम्रचित और निर्माण, हर घंटे में नहीं, 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संजीव शर्मा जी ने दिन की और हर कार्य की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान से करने की बात कही, तो वही कुंजीलाल मीणा जी ने तनाव मुक्त रहने का इतना बढ़िया तरीका बताया जिसे सुनकर आप शायद हंस पड़े। आज हम मुस्कुराना भूल गए, हंसना भूल गए, मैं सही बोलता हूँ। उसके लिए अब हास्य के लिए अलग से क्लासेस लगनी शुरू हो गई है, जहाँ आप जबरदस्ती जाकर के हंसते हैं। हंसना, कई अधिकारी क्या हम वैसे कई लोग कुर्सी छोड़ने के बाद वो उस कुर्सी को लेके बैठते हैं, मैं आईएएस हूँ, आरएएस हूँ, थानेदार हूँ, तहसीलदार हूँ, ये। और जब उनको रस्ते में अगर कोई ये नहीं पहचाने कि आईएएस है तो उसको टेंशन हो जाता है, ये थानेदार, तो सबसे बड़ा टेंशन तो उस कुर्सी को अपने नीचे रखो, उसको माथे पे मत चढ़ाओ। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में भी के पूनम दीदी ने राजयोग मेडिटेशन से मिलने वाले फायदों की विस्तार से चर्चा की। बुद्धि शीतल, हृदय हमारा संतुष्ट और ऑर्गन्स इंद्रियां चंचलता खत्म हो जाएगी और इंद्रियां हमारी संयम में आ जाएगी। ऐसे ही प्रभाग द्वारा स्थानीय सेवा केंद्रों के सहयोग से बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी सीताराम मीणा ने अपने प्रशासनिक सेवा के अनुभवों का जिक्र करते हुए मानवीय मूल्यों को प्रैक्टिकल में धारण करने की बात कही।
ऐसे ही भिलवाड़ा के पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीणा जी ने पुलिस कर्मियों को स्पष्ट किया कि कैसे राजयोग मेडिटेशन तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। इसी क्रम में देखिए तस्वीरें चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के जिला परिषद सभागार और डूंगरपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की, जहां प्रभाग द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने ब्रह्म कुमारी इसके प्रयासों की सराहना करते हुए कार्यक्रम को उपयोगी बताया। अब कुछ खबरें एक नजर में। महाराष्ट्र के नागद में नवनिर्मित भवन स्थल पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के भगवान ने किया पूजन। पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगाए 75 पौधे। दिघी गांव में नई बी के पाठशाला का बी के भगवान ने किया उद्घाटन। सरपंच शांताराम कोष्टी, उप सरपंच रामधन परदेसी, विकास सोसाइटी के चेयरमैन ज्ञानेश्वर वाणी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन। 150 से भी अधिक कलाकार सम्मेलन में हुए शामिल। माउंट आबू से आए प्रभाग के सदस्य बीके रमेश रहे मुख्य वक्ता। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के मार्गदर्शन में आयोजित रहा कार्यक्रम। विंध्य क्षेत्र से आए सभी प्रमुख कलाकारों को किया गया सम्मानित। आगरा के सिकंदरा सेवा केंद्र पर कल तरुण प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता कार्यक्रम। पार्षद सुषमा जैन कार्यक्रम में हुई शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने कल तरुण प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए किया प्रेरित। कार्यक्रम के बाद सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने किया वृक्षारोपण। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को लेकर हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। इनर व्हील क्लब के सहयोग से आयोजित रहा कार्यक्रम। इनर व्हील क्लब सोलन की प्रेसिडेंट मोनिका बंसल, सेक्रेटरी अंजू पवियाल, होम्योपैथिक डॉक्टर पूजा सूरी कार्यक्रम में रही उपस्थित। मोनिका बंसल ने सामाजिक सेवाओं में ब्रह्मा कुमारी का सहयोग देने की कही बात। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने जनसंख्या वृद्धि पर जताई चिंता। कहा कि वर्तमान समय जनसंख्या के साथ दुनिया में बढ़ रहा है पापाचार, अत्याचार और नकारात्मकता। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला स्थित बनी गांव में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। बीके सदस्यों ने गांव वासियों को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन करने का बताया तरीका। सैकड़ों लोगों ने लिया प्रदर्शनी का लाभ। यूपी के बरेली में मिथिलापुरी सेवा केंद्र द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर विमल भारद्वाज, ट्रेजरर डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी, सचिव डॉक्टर एमडी छाबड़िया समेत कई डॉक्टर्स रहे कार्यक्रम में उपस्थित। बरेली क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती ने डॉक्टर्स को तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स। बीके नीता ने कराया कुछ देर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। कोरोना काल में मानव सेवा के प्रति समर्पण भाव के लिए 75 डॉक्टर्स का किया गया सम्मान। बेंगलुरु के गौरी बिंदुर सेवा केंद्र विश्व प्रकाश भवन के हुए 50 साल पूरे। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का निकाला अनोखा तरीका। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा के मार्गदर्शन में निकाली कार एवं बाइक रैली। हजारों लोगों को दिया निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय। उड़ीसा के जाजपुर जिला स्थित बड़चना सेवा केंद्र पर आत्मनिर्भर किसान अभियान का समापन समारोह। विधायक अमर प्रसाद सतपथी, सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नलिनी कु मोहंती, जाजपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष गणेश्वर बिसावल मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल और किसान भाइयों का किया सम्मान। 40 दिनों तक चला यह अभियान। 100 रैलियों का आयोजन कर 700 गांवों के 60,000 किसानों को शाश्वत योगिक खेती की जानकारी देते हुए आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। जाजपुर सेवा केंद्र से ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला ने किया था अभियान का आगाज। दया एवं करुणा थीम पर मध्य प्रदेश के केसली सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। सेवा केंद्र की चौथी वर्षगांठ का भी रहा है मौका। नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर समेत कई जानकार कार्यक्रम में हुए शामिल। सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने कहा कि आज समाज में व्याप्त बुराइयां मानवता पर चोट कर रही हैं। ऐसे समय में दया एवं करुणा का भाव व्यक्ति को मानवता के पथ पर अग्रसर करने में संजीवनी बूटी का कार्य करती है। केसली सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं की दी जानकारी। अतिथियों ने संस्था की सामाजिक सेवाओं को सराहा।
मध्य प्रदेश के खजुराहो सेवा केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम। परियोजना अधिकारी रजनी शुक्ला मुख्य अतिथि और पंचमढ़ी से सुरक्षा सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके संध्या मुख्य वक्ता के तौर पर रही उपस्थित। बीके संध्या ने टेंशन फ्री रहने के दिए टिप्स। परियोजना अधिकारी रजनी शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि आज यहां आकर हमने सीखा कि कैसे मुस्कुराते हुए हम कार्य क्षेत्र पर सेवाएं कर सकते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने किया रजनी शुक्ला का शॉल ओढ़ाकर सम्मान। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा खुशहाल जीवन यात्रा विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी। डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी व तकनीकी विश्वविद्यालय नौणी से वैज्ञानिक डॉक्टर के रैना, आरटीओ ऑफिसर नरेंद्र चौहान समेत कई अधिकारी हुए शामिल। यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने कहा कि राज्यों मेडिटेशन के प्रभाव से दुर्घटना के आंकड़ों में आई है कमी, साथ ही राज्यों के अभ्यास द्वारा जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाने का दिया सुझाव। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने कहा कि जिस प्रकार समाज, परिवार और सार्वभौमिक सिद्धांतों की मर्यादा तोड़ने पर हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, उसी प्रकार यातायात नियमों की भी मर्यादा तोड़ने पर हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजित पवार ने पुणे के धनोरी स्थित ब्रह्मा कुमारी के नए सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। नगर सेविका रेखा ताई चंद्रकांत टिंगरे, कमल फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा टिंगरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैला भी रही उपस्थित। पवित्र मास सावन के चलते वाराणसी के डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों द्वारा निकाली गई चैतन्य झांकी। शंकर जी, पार्वती माता, गणेश और कार्तिकेय का रूप धरकर बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। गली मोहल्ले में ओम शांति का जयकारा सुनकर घरों से निकले लोग। बीके यश, बीके हर्ष और बीके अंकिता भी मौजूद रहे रैली के दौरान। मामूरगंज एरिया में एक अपनी रैली निकाली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं रोज कुछ न कुछ एक्टिविटीज सीखते हैं, योग करते हैं, संस्कार अच्छे अच्छे लेते हैं और आज यही लोग लेकर के रैली गए थे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लक्ष्मी दीदी ने रिबन काट कर नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी सिंगापुर फैमिली ने कोरोना महामारी के तूफान के बीच भी इस नए सेवा केंद्र का उद्घाटन कर यह सिद्ध कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। इस नए सेवा केंद्र की निदेशिका बीके दावेली ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को रोजाना मुरली क्लास और कलेक्टिव मेडिटेशन के लिए आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान मौजूद तमिल माताओं और चाइनीज सदस्यों के गीतों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया। कार्यक्रम के अंत में बीके लक्ष्मी दीदी ने सभी को बधाई देते हुए ब्लेसिंग कार्ड भेंट किए। ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर बीके चार्ली हाल ही में इंडोनेशिया के दौरे पर थे। अपने 8 दिवसीय दौरे में सबसे पहले वो बाली की राजधानी देनपासर पहुंचे, जहां इंडोनेशिया की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी दीदी ने पीस हाउस में उनका स्वागत किया। स्वागत के पश्चात पीस हाउस में द ग्रेटेस्ट पावर इज लव टॉपिक पर बीके चार्ली की क्लास आयोजित हुई, जिसमें 60 बीके सदस्य शामिल रहे और क्लास का लाभ लिया। ऐसे ही उबुद सेवा केंद्र पर डीपनिंग द ट्रू लव, ज्ञानेर सेवा केंद्र पर हाउ टू मेंटेन ज़ील एंड एंथुसियाज्म इन ब्राह्मण लाइफ, नूसा दुआ सेवा केंद्र पर डेवलपिंग एटीट्यूड एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, सुरबाया और जकार्ता सेवा केंद्र पर क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स टॉपिक्स पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें बीके चार्ली ने अपनी लंबी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। इसके साथ ही सुंतर में उनकी मुलाकात एम्बेसडर ऑफ इंडिया मनोज कुमार भारती से हुई। मुलाकात में मनोज कुमार भारती को बीके चार्ली ने संक्षिप्त में ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटीज की जानकारी दी। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें।